वेलकम बैक टू चैनल। लाइफ के लिए मैं ऐसी गाड़ी लेके आई जो कि क्रेटा को बहुत ज़्यादा टक्कर देती है, और इस गाड़ी के बेस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जो कि क्रेटा के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते हैं। यह अगर गाड़ी नहीं, MG तरफ से एस्टर है, जिसका फेस लिफ्ट इस साल के अंदर आने वाला है। बट MG की ये गाड़ी का फेस लिफ्ट आने से पहले ही गाड़ी फुली रिवील हो चुकी है। सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जरूर बना मेरे चैनल नए रहते चैनल उससे पहले बैन उठे कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो से तुरंत ही मिलते हैं आपको। बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक से, फ्रंट लुक से आपको एक फ्रेश ग्रिल मिलने वाली है, जैसे कि आपको अभी मिलती है ग्रिल से टू डिफरेंट मिलने वाली, कवर्ड मिलने वाला, थोड़ा सा आगे फ्रंट से देखने में फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लग रही देखने में। और आपको DRS मिलेंगे, हेडलाइट सेटअप मिलेगा, नीचे फोक लाइट की प्लेसिंग मिल जाएगी, बीच में MG का लोगो मिल जाएगा। गाड़ी फ्रंट से देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है मुझे पर्सनली। बताऊँ तो जो गाड़ी का कलर दिया गया है और जो गाड़ी का डिज़ाइन दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि MG ने चुन चुन के इस चीज़ पर काम करा है, और ये गाड़ी जब मार्केट में आएगी तो तहलका मचा देगी। और साइड पर बात करें, साइड पर से गाड़ी की चौड़ाई वैसी रखी है, अलॉय व्हील्स भी डिफरेंट थोड़े से कर दिए गए हैं, और साइज़ वगैरह से वैसे मिल रहा है गाड़ी का। बैक साइड से बात करें, बैक साइड से आपको डिज़ाइन वैसे ही मिल रहा है सबको अभी मिलता है एस्टर में, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया टेल लाइट से डिज़ाइन में, बट बैक साइड से आपको गाड़ी ऐसी मिलने वाली सभी मिलती है एस्टर। जो रही कुछ बाहर से की घर से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही देखने में, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लग रही देखने में, और ये कड़ी टक्कर देगी क्रेटा सेल्टोस को और ग्रैंड विटारा को। बट अभी इंटीरियर्स के कुछ ज़्यादा फोटोज रिवील नहीं हुए हैं। इंटीरियर में आप देख सकते हैं कि स्टेयरिंग पर लोगो मिल जाएगा MG का, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम कनेक्टिंग वाला सा लग रहा है थोड़ा सा, और बीच में आपका कंसोल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। फिट एंड फिनिश बटन के फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्लॉसी लग रहे हैं, और गियर नॉक काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, क्रिस्टल वाला गियर लग रहा है देखने में। तो नो डाउट गाड़ी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अभी इंटीरियर से कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है, पर ये चीज़ें रिवील हुई हैं। फीचर्स में आपको 360 कैमरा तो मिलने ही वाला है, बट गाड़ी के जो ओवरऑल जो फीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एड ऑन कर दिए गए, नए नए फीचर्स और आएंगे इसमें। और तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल रहने वाली है, जिस हिसाब से प्राइसिंग लॉन्च होगी मेरे हिसाब से 10 लाख के आसपास इसका बेस मॉडल का प्राइस आएगा। देखना ये है कि गाड़ी क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी फिर से नहीं। आप क्या राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो से लाइक कर देना।